हेलो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समथिंग ट्रिकी। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम हम बेसिक से चालू करेंगे और इसमें सब चीज़ कवर करके चलेंगे। और पहले बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल तक ले जाएंगे। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ की आज से सीरीज चालू हो रही है और आपको डेली वीडियोस मिलेंगी जिससे कि आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल में जो रेड कलर का बटन है उसे देख के सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, ठीक, अब ये जो नंबर सिस्टम का हम क्या चला रहे हैं, बेसिक पार्ट। ठीक है, बेसिक पार्ट चलाएँ नंबर सिस्टम का, पार्ट वन है। ठीक, पार्ट वन। अब देखिए, अब इसमें नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कहें, डेफिनेशन क्या होगी, तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन होगी संख्याओं को लिखने के लिए एक खास पद्धति। क्या करते हैं, एक खास पद्धति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है, जिससे अंक, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम करते हैं अंकों का प्रयोग, अंकों का प्रयोग किया जाता है, यह संख्या पद्धति कहलाता है। तो इसे कि इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो अब ये तीन प्रकार से होती है। एक तो होती है दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक पद्धति, एक ऐसे ही कहते हैं हिंदू अरबी पद्धति, ठीक है, और एक होती है आपकी द्विआधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति होती है, और एक होती है आपकी रोमन, ठीक है, रोमन पद्धति। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है ये लेट्स लर्न समथिंग ट्रिकी। इस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगी। ठीक है, और आइए देखते हैं, हमने तीनों का ग्राफ बना रखा है और देखते हैं पहला क्या है, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति में हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें जीरो से लेकर नाइन तक का यूज होता है अंकों का। ठीक है, जीरो से लेकर नाइन तक का। अब इसमें क्या है, जैसे हंड्रेड और इसमें गुणा करना आपको 421 का। ठीक है, तो इसका क्रॉस गुणा होता है, जैसे चार का वन में गुणा, ठीक है, चार का वन में तो चार रह जाएगा। अब दो का जीरो में, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस जीरो आ जाएगा। ठीक है, दो एक का फिर जीरो में, तो फिर क्या आएगा, फिर जीरो आएगा, तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, इसका टोटल आंसर आएगा फोर। ठीक है, इसी प्रकार इसे देखिए, जब 16 का वन में करोगे, पहले इस 16 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, वन में होगा, ठीक है, तो 16 आ जाएगा। फिर इस 8 का मल्टीप्लाई वन में होगा, जीरो में होगा, जीरो में, तो ये कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई वन में होगा तो 4 आ जाएगा, और ये जीरो आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। आइए और इस द्विधारी पद्धति को देखते हैं, इसमें केवल दो अंकों का यूज होता है, जीरो और वन का। ठीक है, जीरो वन का यूज होता है, जैसे हमने किया चार का फैक्टर। ठीक है, चार को पहले हमने दो से काटा, दो से काटा तो दो बार गया, ठीक है, और जीरो कितना बचा, शेष जीरो बचा। ठीक है, जीरो का जीरो लिख दिया, फिर दो से काटा तो जीरो, जीरो बचा शेष, अब एक रह गया, एक का एक बच गया, तो इसे उल्टा लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं उल्टा। ठीक है, तो इसे हम उल्टा लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 100। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, इसमें क्या है, फाइव का जैसे मान लो हमने किया, ठीक है, तो इधर एक बार बचा, फिर दूसरी बार काटा तो जीरो बचा, फिर एक बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्विधारी पद्धति में केवल दो अंकों का यूज किया जाता है, वो है वन और जीरो। ठीक, आगे देखिए रोमन पद्धति। अब रोमन पद्धति में किस किस का यूज किया जाता है, रोमन पद्धति में अंकों को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या है, जैसे हम 40 को लिखना चाहें तो 40 को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब पहले ये L दर्शाएगा आपका 50, ठीक है, और उसमें से हम इधर X का 10 कम कर देंगे तो रह जाएगा 40। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे हम 1, 2, 3 मतलब पहले 1 से 3 तक, फिर लौटता हुआ आएंगे, ठीक है, लौटते हुए आएंगे, ऐसे ही फिर आगे जाएंगे, ठीक है, जैसे 10 से 39 जाना है। ठीक है, और अगर 50 से हमें 40 पे आना वापस, और इधर 50 से 80 पे जाना है, ठीक है,
और ऐसे 100 से हमें नीचे पीछे आना है तब लिख पाएंगे हम संख्या को। अभी जब हम एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 100 से कितना जाना है, 399, ठीक है। ऐसे ही 500 से आपको 400 पर आना है, ऐसे ही 500 से आपको 899 तक जाना है, और ऐसे ही 1000 से आपको 900 तक आना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपका हो गया बन, ये इसका बन का सिंबल हो गया, ये एक्स हो गया 10 का सिंबल, और सी हो गया 100 का सिंबल, और एम हो गया आपका 1000 का सिंबल, मतलब 1000 का सिंबल। ऐसी लगातार तीन आगे पीछे होती हैं, पहले तीन आगे जाती हैं, ठीक है, फिर पीछे होती है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ये सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा नीचे, और आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब रोमन को हम अच्छी तरह समझते हैं, रोमन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी, इससे वी से तो 5 दर्शाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एल का अगर सिंबल देखो तो एल का सिंबल आपको 50 मिलेगा, ठीक है। डी का सिंबल आपको 500 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही एल का हो गया 50, सी का हो गया 100, और डी का हो गया 500, एम का हो गया 1000, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें 34 लिखना है, ठीक है, 34 लिखना है, तो 10, 20, 30 और ये 4, तो कितना हो गया, 34 हो गया। ऐसे ही 41 लिखना है, ठीक है। अब 41 लिखना है तो हमें पीछे आना है, 50 से पीछे आना है, तो 50 पहले लिखा, पहले लिखेंगे एल, ठीक है, फिर 50 के बाद फिर आएंगे 10 पे, ठीक है, 10 पे आ गए, और 10 के बाद एक और लिखना है। जब 50 में से 10 गया तो 40 बचा, 40 और 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही 47, तो पहले 50 लिखा, 50 में से 10 घटाया, ठीक है, फिर 7 लिख दिया तो आ गया पूरा, ठीक है। ऐसे ही 92 है, तो पहले कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है, 100, सी का संबल 100, 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90 बचा, और ये दो आगे जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार 98 देखिए, तो 98 कैसे लिखेंगे, पहले लिखा 100, फिर 10 हटा दिया, फिर ये 8 लिख दिया, तो 98 हो गया, ठीक। ऐसे ही 49 पहले लिखा 50, और 50 में से 10 गया तो कितना बचा, 40 और 9 का 9 लिख दिया, ठीक। ऐसे ही 110 लिखना है जैसे, ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखा, पहले लिखा 100, ठीक है, और 100 के आगे लिख दिया 10, देखो 10 से ही 110 हो जाएगा, 100 110, 100 से आगे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 385 देखिए, 385 में क्या है, पहले लिख लिया हमने 300, ठीक है, 300 लिख लिया, और फिर लिख दिया 50, ठीक है, और 50 के बाद ये लिख दिया 30, ठीक है, और ये 5 लिख दिया, तो कितना हो गया, 385 हो गया, ठीक है। 507 लिखना है, ठीक, तो 507 में कैसे लिखना है, तो पहले हमने कितना लिख दिया, पहले हमने लिया 500 और 7 लिख दिया इधर, ठीक है। ऐसे ही 2000 लिखना है, 2000 में क्या है, एक 1000 की एम होता है, ठीक है, तो 2000 हो जाएगा ये। ऐसे ही आपको लिखना है 499, ठीक है, तो पहले लिखा आपने, ठीक है, पहले आपने लिखा डी, और डी का सिंबल 500, 500 में 100 गया तो कितना बचा, 400 बचा, 410, 400 हो गया। अब 400 के बाद फिर कितना लिखना है, तुम्हें लिखना है 99, तो पहले 100 लिख लिया, 100 में से 10 गया, 90 बचा, और 9 का 9 लिख दिया था, ठीक। ऐसे 85 लिखना है, 85 के लिए क्या करना है आपको, पहले आपको 100 लिख, ये लिख दिया आपने कितना, एल का मतलब 50, और ये हो गया 80, और ये हो गया 85, ठीक है। 99 को लिखना है तो 99 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको गुना करना है, ठीक है, जैसे वी पे अगर बार सा लगा हुआ है ऊपर, तो आपका ये 1000 गुना होती है, मतलब 1000 गुना, ठीक है। जैसे अगर दो लगा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उसका इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10000 लाख 1000000 गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4000 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 4 बनाओ और उससे बात चला दो, मतलब ये हो गया आपका 1000 गुना, ठीक है, ऊपर बार से 1000 गुना हो जाएगा। ऐसे लिख लो, मान लीजिए 89 लिखना है आपको, तो 89 के लिए पहले आप कितना लिखोगे, एल मतलब 50, ठीक है, और ये 30 लिख दिया, और 9, ठीक है, 89 हो गया। और 39 लिखना है जैसे, ठीक है, 39 10 10 20 30, और ये हो गया 39, ठीक। तो आशा करते हैं ये आपको रोमन पद्धति समझ में आ गई, आगे चलते हैं।
आगे देखिए, आगे अब आपके आ जाती हैं कि आपके डेफिनेशंस आ जाती हैं। जो डेफिनेशंस में क्या है, पहला है नेचुरल नंबर, ठीक है, पहला आपका नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर को कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम किन्हीं वस्तुओं, क्या करते हैं उन संख्याओं का, किन्हीं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो किस में प्रयोग करते हैं, हमने प्रयोग करते हैं गिनने में, ठीक है। तो गिनने में किसका करते हैं, 1 to 9, ठीक है, 1 to 9 होती हैं, ठीक है, इन्हीं अंकों से आगे रिपीट होती हैं, तो इनसे ही हम गिनते हैं। अब ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, वह प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है। अब होल नंबर आता है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या क्या आती हैं, जो मतलब कंप्लीट होती हैं अपने आप में, ठीक है। क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं, आप प्राकृतिक संख्या ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में हम अगर शून्य को भी इंक्लूड कर दें, मतलब शून्य को भी मिला दें, सम्मिलित कर दें, तो वे क्या कहलाएंगे, तो वे कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है, तो वे कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं। जैसे ये देखिए, 0 से अब ये 9 तक हमने लिखा, ठीक है, 0 से 9 तक, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। अब आ जाए इंटीजर्स पे, आ जाओ, इंटीजर्स होता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक, सभी कैसी, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं जिनमें शून्य भी सम्मिलित होता है, वे सभी इंटीजर्स कहलाती हैं, मतलब पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे हमने जैसे लिखा, पहले ऋणात्मक संख्याओं को हमने देखो दर्शाया यहाँ तक, ठीक है, कितना दर्शाया, 5, 4, 3, 2, 1, ये नेगेटिव का, फिर आएगा 0 आपका, ठीक है, उसके बाद ये आपकी इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ेंगे आगे 1 to 5 तक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है। अब आ जाइए धन पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, देखते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या बता चुके थे 1 से लेकर 9 तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं को ही कहते हैं धन पूर्णांक संख्याएं, मतलब 1 to 9 पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर उसे डिनोट किया जाता है तो भी ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, ऐसे ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलिए, इन डेफिनेशंस को आपको बार बार देखना है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और नहीं समझ में आता तो लिख लीजिए, वैसे आपको किताबों में भी मिल जाएंगी, ठीक है। उससे हमने थोड़ा इजी वे करके इसमें समझाने का प्रयास किया है। अब आ जाइए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर मतलब क्या कहते हैं इसे, परिमेय संख्याएं, ठीक है, रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें a बट्टा b के रूप में होती हैं, ठीक है, जहां a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जबकि b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है इसमें, ठीक है, इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है का लघुत्तम परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें 10 है, ठीक है, अब 10 के नीचे हम, अब कह रहे हो कि अब क्यू नहीं है, तो इसके नीचे हम कितना 1 मान लेंगे, तो ये भी क्यू हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। इसी के नीचे भी हमने 1 मान लिया, तो यही परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। 8/3 है, 0 भी है, कह रहा है पूर्णांक संख्या है, मतलब उसमें तो 0 भी सम्मिलित होता है, इत्यादि क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी आ जाइए कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। वे संख्याएँ जिन्हें a बट्टा b, ये भी जो संख्याएँ होती हैं, इन्हें भी a बट्टा b के रूप में होती हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसे 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है।
इज़ नॉट इक्वल टू जीरो नहीं कह सकते हम इसे। तो इसमें क्या होती है, ज़्यादातर इसकी संख्या रूट में मिलेंगी आपको, तो ये हो गई रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ठीक है। ये सभी क्या कहलाएंगे आपकी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे आ जाइए काइंड्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के कुछ भेद भी होते हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं के कुछ होते हैं भेद, ठीक है। देखिए पहला भेद क्या है इसका, ए नंबर, तो ये पॉइंट पे चल रहे हैं, किसी भी दशमलव भिन्न, किसी भी कैसी भिन्न, दशमलव भिन्न वाली संख्या जिसके दशमलव के बाद वाली संख्याएं की गिनती, दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती, ठीक है, की जा सके, उन्हें हम गिन सकें, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। इनकी हम गिनती कर सकते हैं। नंबर बी पॉइंट देखिए, किसी भी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद वाले अंकों में एक खास, दशमलव के बाद वाले अंकों में एक खास अंक के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। एक खास अंक के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है, वे सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अभी इसका कोई मान नहीं दिया, वैसे इसका मान निकालते हैं तो ये रुकता नहीं कभी भी, ठीक है। दस, जैसे दस का निकालेंगे तो ये 3.3333 चलता ही रहेगा, ठीक है, तो ये थ्री पे बार कह सकते हैं। इसमें एक खास नंबर रिपीट हो रहा होता है, जैसे 3 3 3, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे आइए, ठीक, अब इसमें आप देखिए 22/7, ठीक है, या हम 3.14 का पाई के लगभग बराबर हैं, ये लगभग में कह दिए हैं बराबर, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या। लगभग में कह दिए हैं परंतु इसका कोई अंत नहीं है, ये लगभग में हमने कह दिया है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, लगभग में हमने कह दिया है, ठीक है। अब आ जाइए 8 नंबर पे, और इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, वे संख्याएं जो या तो परिमेय या अपरिमेय, परिमेय होंगी या अपरिमेय संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी, पर उन्हें हम कहेंगे क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याओं, अगला पॉइंट देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तीनों कैसी कहलाती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे अगला पॉइंट देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग करें या हम उनका अंतर करें तो वो क्या कहलाएगी हमेशा, तो वो हमेशा कहलाएगी अपरिमेय। तो ये पॉइंट बहुत ही याद करने के योग्य है, और इसे याद कर लें आप, परिमेय या अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे तो भी परिमेय अपरिमेय, या उसे घटाएंगे फिर भी अपरिमेय, दोनों को, ठीक है। तो इसमें क्या गया, एक तो हमने इधर परिमेय जोड़ी और इधर एक अपरिमेय जोड़ी, ठीक है, ये हो गई अपरिमेय, ये हो गई आपकी परिमेय, इनको हमने दोनों को जोड़ा तो ये संख्या हमारी क्या, अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगी। अगर हम इसे घटाते हैं फिर भी हमारी ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। आगे देखिए एक और पॉइंट है इसका, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, मतलब उनका गुणा करें तो भी वह संख्या कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें एक परिमेय, 3 परिमेय और ये 7 अपरिमेय संख्या का गुणा किया तो हमें अपरिमेय संख्या मिली, ठीक है। आइए 9 नंबर पे देखते हैं, इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्याओं को देखते हैं, क्या है सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, वे संख्याएं जो कितने से पूर्णतः विभाजित हों, जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8, ठीक है, अब ऐसे ही आगे चलता जाएगा, 10 12 14, ठीक है, ऐसे करके। ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है, मतलब इसे कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें 2 से विभाजित नहीं कर सकते, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है।
तो ये कैसे कह लेते हैं विषम संख्या, तो वन से चालू होती हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन हो गया, ठीक है ऐसे करके। ठीक है आगे आइए चलते हैं, ठीक अब आइए देखिए प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर क्या है। ठीक है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब अभाज्य संख्याओं का एक मेन पॉइंट है, ठीक है उसको आप देख लीजिए। वे संख्याएं कौन संख्या जो एक से व स्वयं से पूर्णतः विभाजित, एक से विभाजित हो जाएं और स्वयं से विभाजित हो जाएं तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी परमेय अपर अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है अभाज्य संख्या कहलाएंगी। देखिए ये जो दो होता है वो स्वयं से विभाजित होता है, एक से विभाजित होता है और किसी से नहीं होगा। ये भी तीन भी देखिए ऐसे, ये पाँच ये सेवन है ये इलेवन है। अब इसमें नाइन क्यों नहीं लिया, नाइन इसलिए नहीं लिया वो थ्री से विभाजित होता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही वो अभाज्य संख्या होती है, ना अभाज्य होती ना भाज्य होती है। ठीक है इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, यही एक सम संख्या भी होती है दो, ठीक है और ये अभाज्य संख्या भी होती है। एक का एक ही गुणनखंड होता है इसलिए वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो क्या हुआ एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है अब देखिए हमने जो लिखा है वो आपका लिखा है टू से लेके ये आपका 50 तक लिखा हुआ है। ठीक है टू से लेके 50 तक के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं। ठीक है ये देखो ये हमने लिख रखा है, ठीक ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है अब नोट में लिखा है टू से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 50 तक, ठीक है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, ये होती है 15। सीधा रट्टा मान लीजिए 15। ठीक है ऐसे ही हमने आगे लिखा है। ठीक है तो आगे क्या है नोट आगे देखा कि एक से लेकर पचहत्तर तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 21 होती है। ठीक है इन्हें गिन के देख लेना आप, लिखी हुई है गिन के देख लेना आप 21 है। ठीक है फिर हमने ऊपर देखा तो ऊपर हमें कितनी मिली अभाज्य संख्याएं, ठीक है तो एक से लेके हमने सीधा निकाला कहाँ तक 100 तक निकाला तो 25 अभाज्य संख्या हमें उसमें मिल गई। ठीक है 25 मिल गई। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी एक से लेके 50 तक होती हैं 15 और एक से लेके 75 तक होती हैं आपकी 21 और एक से लेके 100 तक होती हैं आपकी 25 संख्याएं। ठीक है आइए देखते हैं आगे अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करेंगे। ठीक है अब जांच के लिए टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है तो क्या कहते हैं अभाज्य संख्याओं की जांच के लिए उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है यदि संख्या वर्गमूल के मान से छोटी किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः व्यक्त नहीं होती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है अन्यथा नहीं, अगर विभाजित हो जाएगी, ठीक है विभाजित नहीं होगी तो वो एक अभाज्य संख्या होगी और अगर नहीं होगी तो वो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी तो होगी और होगी तो नहीं होगी। ठीक है ऐसे अगर मान लो जी अभी एग्जांपल लेंगे तो आप मालूम पड़ जाएगा पूरी तरीके से। देखिए यहाँ देखिए ठीक है यहाँ देखिए जैसे रूल है इसका रूल क्या है कि जो संख्या है ठीक है उसका हमने निकाला तो देखिए अब 419 है और इसे मैंने देखा 21 के वर्ग से ये मतलब नीची है। ठीक है तो अगर इन संख्याओं से ये 419 विभाजित नहीं होता है ठीक है तो ये एक अभाज्य संख्या होगी, अगर हो गया विभाजित तो नहीं होगी। ठीक है ऐसे ये 183 देखिए ठीक है 183 19 के वर्ग से नीचे है। ठीक है तो 19 के वर्ग से नीचे तो हमने ये लिख ली संख्याएँ कितनी आएंगी 19 से नीचे संख्याएँ 19 से नीचे आएंगी आपकी 2 3 5 7 11 13 और 17 इनसे मैंने विभाजित करके देखा अगर 183 विभाजित हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है और अगर नहीं हुआ तो अभाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य संख्या का क्या था मैं
कि वह स्वयं से विभाजित हो और वंश से विभाजित हो, ठीक है। अगर किसी अन्य से विभाजित हो गया तो वह वाह्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। अगर विभाजित होता है तो नहीं है, और नहीं होता है तो है, ठीक है। ऐसे आगे देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से और एक अतिरिक्त किसी संख्या से कम एक अतिरिक्त अन्य संख्या से जो विभाजित होती है, जो पूर्णतः विभाजित होती है, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। किसी अन्य से भी विभाजित हो, ठीक है, एक से हो, स्वयं से हो और किसी एक अन्य से हो, और ज़्यादा से भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखा हमने चार, ठीक है, चार स्वयं से विभाजित होता है, एक से विभाजित होता है और दो से विभाजित होता है, ऐसे ही छः, ऐसे ही आठ, और जितनी संख्या होंगी वो ऐसी कहलाएंगे भाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए आपका अपवर्त और विभाजक, देखिए अपवर्त कहें या विभाजक कहें इसे, ठीक है, ठीक। इसमें अपवर्त क्या होता है, ये होता है डिवाइजर, ठीक है, जिसे कहते हैं भाग, और अपवर्तक होता है, ये अपवर्त्य होता है, इसे मल्टीपल कहते हैं, जिसे गुणन, गुणन कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक है। डिवाइजर क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक होता है किसी संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसका अपवर्त निकालना हो, किसी भी संख्या का हमें अपवर्त निकालना है, तो एक से लेकर उस संख्या तक जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है, विभाजित होती है, होती है, वे सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, सभी संख्याएं संख्या का अपवर्त कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने 40 का गुणनखंड किया, 40 को विभाजित करके देखा, तो पहले एक से देखा, दो से देखा, चार से, ऐसे ही हमने यहाँ तक देखा, तो एक से हुआ, दो से हुआ, चार से हुआ विभाजित, पाँच से हुआ, आठ से हुआ, दस से हुआ, बीस से हुआ, अब इनको हमने देखा तो हमारे इसका कितने एट अपवर्त निकल आए। तो ऐसे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा, तो शॉर्ट में देखते हैं क्या हुआ। शॉर्ट में क्या है, 40 का गुणनखंड काटा, ठीक है, तो हमारे गुणनखंड निकल के आया 2 2 2 × 5, तो 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 1। अब क्या करते हैं, ये देखो सूत्र है इसका, ठीक है, इसकी जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा के और गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक एक बढ़ाया, 3 में 1 बढ़ाया, 4 पावर कर दिया और 5 पावर कर दिया, तो इन पावरों का गुणा किया तो हमारा 8 आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये 8 आंसर आ गया हमारा, ठीक। आगे देखते हैं, अब क्या है मल्टीपल अपवर्त, ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या जिसका अपवर्त निकालना, अपवर्त या गुणज निकालना होता है, उस संख्या में 1 2 3 इनफाइनाइट तक गुणा करते हैं किसी संख्या से, ठीक है, गुणा किया हमने, जो गुणनखंड मिलता है वही अपवर्त, वही संख्या उस संख्या का अपवर्त कहलाती है, ठीक है। जैसे 7 का 6 से गुणा किया तो ठीक है, तो इनके अपवर्त कितना होगा, 24 हो गया, ठीक है, मल्टीपल हो गया। ऐसे देखिए सहवाच्य संख्या, सहवाच्य संख्या क्या होती है, जब दो संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना आ जाए, 1 आ जाए, मतलब उसका एचसीएफ 1 हो जाए, 1 आए, तो वह कैसी संख्या कहलाती हैं, सहवाच्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 4 और 7, इसका एचसीएफ निकालो तो 1 निकलेगा, 3 7 का 1 निकलेगा, 11 13 का 1 निकलेगा, 9 13 का 1 निकलेगा, 11 19 का 1 निकलेगा, 11 21 का 11 19 11, इसका भी निकालो तो भी 1 निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सहवाच्य संख्या। अब देखो जुड़वा संख्याएं, जुड़वा संख्याएं, ठीक है, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें दो लगातार अवाच्य संख्याओं की जोड़ी होती है, जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। तो कैसे कहलाती हैं, जुड़वा, ठीक है, 3 5 3 15, ठीक है, ये हो गया, ऐसे ही हो गया आपका 5 17 13, ठीक है, ये 3 5 है, ये 15 नहीं है, ठीक है, इसे काट लेना, देखो 15 हो जाएगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका बेसिक, कुल मिला के बेसिक का एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया है, और हम अगला पार्ट जल्दी ही डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है, आपने कुछ समझा है, और ट्राई करें आप इससे अच्छा खाना समझ सकते हैं, और अपने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।